एजुकेट गर्ल्स के बेमिसाल 15 साल पहले जब एजुकेट गर्ल्स की स्थापना की थी तो हम जानते थे कि हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम इतना आगे आ जाएंगे मेरे ख्याल से हमने उस टाइम सोचा भी नहीं था। और ये सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमारी टीम बालिका, हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर, हमारी पूरी टीम, हमारे सपोर्टर, हमारे टोनर और सरकार ने हमारा साथ दिया है और इसी की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच पाए। मैंने एजुकेट गर्ल्स एज ए फील्ड कोऑर्डिनेटर मैंने ज्वाइन किया था। उस वक्त मात्र 4 या 5 लोग थे हम ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस वक्त पाली जिले में संस्था या एनजीओ क्या होता है वो लोग नहीं जानते थे। हम लोग जेंट्स के साथ जाते थे काम करने तो सीधा सा ये होता है कि आप इस गैर मर्द के साथ क्यों घूम रहे हैं, आपको आपके ऊपर ताने मारते थे। उस सिचुएशन से निकल के हम लोग फिर भी लड़कियों के लिए काम करते रहे थे। फील्ड कोऑर्डिनेटर दिन भर काम करके रात को ऑफिस में आके रुकते थे। अक्सर मैं उनका खाना बना के भेजती थी। फीमेल एम्प्लॉय हमारे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। एक फील्ड कोऑर्डिनेटर महिला थी, उसको भी मैंने 1 महीने तक अपने घर पे रखा था। उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाइड है, फिर वो काम के लिए राजी हो जाते। तो पहले साल मैं बता रही हूँ कि हमने काफी लड़कियों को स्कूल से जोड़ा तो उन लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे याद है पाली में थे और जालौर में हमने बस कदम ही रखा था। तब से लेके अब तक हम 33 जिलों में मौजूद हैं, 4 राज्यों में। पहले राजस्थान में बढ़े, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर अब बिहार में। हमारी संख्या बढ़ गई है, 2700 एम्प्लॉयज हैं, 17,500 टीम बालिका है। तो हम अच्छी तरह से हमने ग्रो किया है, हम बहुत आगे निकल आए हैं। लेकिन प्रत्येक वो लड़की जिसे हम स्कूल से जोड़ते हैं, उसे स्कूल से जोड़ने की खुशी आज भी वही है जो 15 साल पहले थी। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने 15 साल का जो हमारा ये माइलस्टोन है, जो ये दिवस है कि हम अपने हजारों टीम बालिकाओं के साथ इसे मना सकें, क्योंकि सचमुच इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। जो संतुष्टि हमें बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ के होती है वो हमें किसी और चीज़ में नहीं हो सकती। इसी को लेके मैंने इस एजुकेट गर्ल्स को ज्वाइन किया था। जालौर की बात है, जब मेरे को उस लड़की का नाम बताया कि एक ऐसी लड़की है और उस लड़की के आपके घर पे जाना है, तो मैंने उसको ढूंढते ही मेरे को बहुत टाइम लगा है, क्योंकि वो एक खेत में रहते थे। उनकी कंडीशन देखी तो वो तो खेतों में काम करते थे। उसने बताया कि साहब ये तो भोली है पर ये पढ़ नहीं पाएगी। मैंने दूसरी बार वहाँ पे जाके उससे पूछा कि आपने अपनी बच्ची को कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, आप साथ चलिए और एक बार उसका वहाँ पे एडमिशन करवा दीजिए। उस लड़की का वहाँ पे जाके हमने KGBV में एडमिशन करवाया और जब मैं वापस उस मेरी विजिट हुई वहाँ पे तो वो बच्ची मेरे सामने दौड़ के आ रही थी। जैसे उसे लगा कि ये कोई अपना ही आदमी है। मेरे उस समय आँखों में बहुत आंसू थे। मैंने उससे कहा कि बेटा तू मेरे पास में बैठ। जब वो मैं एक्टिविटी कर रहा था ना, वो मेरे को देख रही थी कि ये मेरे भैया है और मेरे साथ में ये एक्टिविटी करेंगे। मैंने उसके साथ में बहुत खेल खेला। मैंने जो उस सीन को देखा ना, मैंने ये कहा कि मैंने पूरा वर्ल्ड जीत लिया है। मेरा नाम भगवती है, मैं पाली जिले से बिलोंग करती हूँ। वहाँ लड़कियों को पढ़ना वढ़ना इतना अलाउड ही नहीं है। BSW मैंने कर रखा है तो मेरा यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। गांव में लड़कियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो वो शादी के लिए सब फोर्स करते रहते हैं। 12th के बाद मेरी शादी हो गई दोनों बहनों की। मेरे ससुराल में भी कुछ अच्छा नहीं था, लड़ाई झगड़ा होता रहता, घर में पैक करके रखते थे। फिर पढ़ाई भी बंद करवा दी, या तक कि मोबाइल भी लाउड नहीं था। फिर मैंने बोला या तो फिर मरना है या ससुराल जाना है। फिर भी मैंने लगभग 3 साल मेरा टाइम निकला। BSW इसलिए किया कि मैं लड़कियों की मदद कर सकूं, उनको समझा सकूं कि भाई मेरे साथ हुआ जो आपके साथ ना हो, और समाज में बदलाव लाऊंगी। हाय, मैं विजयलक्ष्मी, मूलियावास करके एरिया है पाली के पास। तो मेरा एक एजुकेशन वॉलंटियर था पूरन, उसे लेके हम दिन में गए वहाँ पे। वो जो 2-4 घर थे ना वहाँ पे मार्क किया हमने। उसके बाद में एक लेडी बाहर आई, मैंने कहा आप वो जरिया बन सकती हैं, एक बच्ची को बाहर निकालिए, आपकी और उन तमाम लड़कियों की जिंदगी बदल सकती है। वहीं से हमने 2 लड़कियां निकाली।
उसके बाद में उस गांव से करीब 12 से 13 बच्चियां स्कूल से जुड़ गई और उसमें से एक लड़की सरपंच है, तो वो होता है एक हैप्पी मोमेंट। मध्य प्रदेश में एजुकेट गर्ल्स जो है वो कहते 4 जिलों में काम कर रहे हैं और चारों जिले जो है वो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। माता पिता की सोच ये होती है कि स्कूल जाएगी तो कोई पैसा नहीं आएगा घर में, लेकिन यदि हमारे साथ में मजदूरी करने जाएगी तो कहीं ना कहीं घर की आय भी बढ़ेगी, इसलिए हमारा प्रारंभिक काम होता है वो कि हम बच्चे के घर पर जाकर संपर्क करें। मुझे याद है कि दो जुड़वा बहनें थी, उनके माता पिता की भी यही सोच थी कि बालिकाओं को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि स्कूल घर से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर था, वहाँ पर बीच में लूटपाट भी होती थी क्योंकि क्षेत्र ही ऐसा था। तो हमारे क्षेत्रीय समन्वयक साथी ने माता पिता की काउंसलिंग की, उनको पूरा विश्वास में लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद में उन बालिकाओं का नामांकन जो है वो डायरेक्ट चौथी क्लास में करवाया। नामांकन के बाद में कुछ दिन तक हमारे क्षेत्रीय समन्वयक साथी टीम बालिका साथी उन बालिकाओं को उनके स्कूल तक छोड़ने जाना और वहाँ से सकुशल घर पहुँचाना ये प्रयास निरंतर किए। फिर कुछ दिनों तक माता पिता ने स्वयं जिम्मेदारी ली और वो खुद बच्ची को छोड़ने गए और गाँव के जो लोग हैं वो उनको देखते हैं, उन बालिकाओं को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा नामांकन आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ सब एक स्टोरी की वजह से हुआ है। 1.5 करोड़ बालिकाएं जब शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ेगी तो समुचित देश में इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये पहली एकमात्र संस्था है जो बच्चों को घर से विद्यालय पहुंचा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर सरसों ब्लॉक चित्रकूट यूनिट से हूँ। यहाँ पे लोग पढ़ाई से अधिक जो है बच्चों को बालू ढोने में या खेतों में काम कराने में ज़्यादा मन लगाते थे। बहुत सारे अभिभावक को समझाने के बाद, बच्चों को मोटिवेट करने के बाद, उनको किसी ना किसी माध्यम से 1 घंटे के लिए विद्यालय भेजना या 2 घंटे के लिए विद्यालय भेजना, आज की डेट में बच्चे निरंतर स्कूल में जा भी रहे हैं। मेरी बचपन में शादी हो गई थी बहुत कम उम्र में और जब मैं 8th पढ़ी हुई थी उस समय हमें ससुराल भेज दिया गया था। 6 साल के बाद में डेथ होगी मेरे हस्बैंड की। डेथ होने के दूसरे दिन ही लड़का का जन्म हुआ और एक बच्ची 2 साल की थी। उसके बाद में ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया हमें, कुछ नहीं दिया। मम्मी पापा ने अपने साथ में रखा और वापस पढ़ाई शुरू करवाई हमारी। इतने में बच्ची 2-4 साल की हो गई, तो बच्ची को पढ़ाना था और उस समय पहले मैं भी सलवार सूट ही पहनती थी और ऐसा लगता था कि मैं भी बच्चों के साथ में बच्ची हूँ। तो मेरी बच्ची भी आज पढ़ी लिखी और मैंने STC कर ली और आज मैं गवर्नमेंट टीचर पर हूँ। आज मेरा अपना घर का मकान है और लड़की भी MA कर चुकी है और बेटा भी मेरा क्रिकेट खेलता है। अगर एजुकेट गर्ल्स से अगर संपर्क नहीं होता तो आज मुझे शायद ये मुकाम नहीं मिलता। लोग कई बार पूछते हैं कि बालिका शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है जबकि समाज में इतनी परेशानियां हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, घरेलू हिंसा है। तो मेरा हमेशा यही कहना होता है कि अगर आप इसे इन इश्यूज को जांचें तो इन सबका हल बालिका शिक्षा के द्वारा निकल सकता है और इसीलिए बालिका शिक्षा जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है क्योंकि वह एक बालिका का हक है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में हम हर एक लड़की का जो शिक्षा का सपना है उसे जरूर पूरा करेंगे। बेमिसाल 15 साल, 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 बेमिसाल 15 साल।